हाय, मेरा नाम गोल्डन है। आपको पता है मम्मा ने मेरा नाम गोल्डन क्यों रखा है? क्योंकि मम्मा को लगता है मैं शक्ल से और अकल से दोनों से गोल्ड हूँ। तो अब मम्मा को लगता है तो मुझे भी लगता है ना। मैडम ऐसे इंट्रोडक्शन क्यों दे रही हैं? और ये बोल क्यों रखा है आपने हाथ में? ये इसको रख दीजिए ना। अरे ये मेरा लकी बोल है, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ ताकि मेरे सारे काम हो जाए। मैंने ना कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया है और उसमें मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। यही नहीं, इसकी टीचर तो इसके सारे सब्जेक्ट में भर भर के नंबर देती थी और पता है इसकी कभी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई। आपको पता है इसके अलावा मैं डांस भी कर सकती हूँ, गा भी सकती हूँ, मेकअप भी कर सकती हूँ, कंप्यूटर भी चला सकती हूँ और सारा ऑफिस का काम कर सकती हूँ। अब देखो इतना टैलेंटेड आपके ऑफिस में अगर काम करेगा तो सोचो ना आपकी भी तो कंपनी की वाहवाही होगी। राइट, ठीक है, मुझे आप थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोचता हूँ। इसमें सोचने वाली क्या बात है देव जी? ऐसा गोल्ड हीरा आपको कहीं मिलेगा क्या? अरे आप भी आई हैं, हम भी आई हैं, आप ले लीजिए इंटरव्यू। इंटरव्यू मम्मा? वही जो इसने कहा। चलिए ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करती हैं और आपकी कॉलीग है जिसको एक डेडलाइन मिली है, उसको अपना काम खत्म करना है। और वो काम अगर डेडलाइन में खत्म नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम में आ सकती है, उसे सजा मिल सकती है। और आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है, क्या करेंगे आप? अरे लोजी इसमें सोचना क्या, मैं ना सबसे पहले अपना सोचूंगी और फिर अपना सारा काम परफेक्ट कर दूंगी। अब आपने तो अपनी स्पीच में कहा था ना वर्क इज इक्वल्स टू पूजा, तो बस मैं अपनी पूजा करती रहूंगी, बाकी लोगों को क्या सोचू मैं, वो करते रहेंगे ना अपना काम। ओके विधि। यस यस सर। तुम क्या करोगी ऐसी सिचुएशन में? सर मेरे हिसाब से मैं अपनी वो दोस्त, मेरा मतलब है वो कलीग का काम करने में उसकी मदद करूंगी, मतलब बाद में मैं अपना काम भी कर लूंगी, पर सर अगर उसका काम वक्त पे नहीं हुआ तो वो तो मुश्किल में आ जाएगी। और सर यही तो करते हैं ना हम स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ मोहल्ले में, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि सब आगे बढ़े, और ऐसे तो फिर कोई प्रॉब्लम में ही नहीं आएगा ना सर। और सर ये जो झगड़ाता है ये भी तो वैसे ही हुआ, इतना सब हम कहाँ कर पाते सर, ये तो सबने थोड़ी थोड़ी मदद की और देखिए कितने अच्छे से हुआ ना झगड़ाता है ना चाची। एक्सेलेंट, एकदम करेक्ट, इसे कहते हैं टीम वर्क, जो आजकल हर ऑफिस में जरूरी होता है। सब मिलकर काम करते हैं ताकि कंपनी आगे बढ़े। आजकल क्या हो गया ना, कंपटीशन और प्रोफेशनलिज्म को लोगों ने अलग ही लेवल पे ले लिया। इन दोनों चीजों को लेकर इंसान इंसानियत ही भूल गया। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस में इंसानियत ना रहे। और इंसानियत रहेगी कैसे? एक दूसरे की मदद करके, जैसे खूबसूरती से विधि ने हमको समझाया।